जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल डीएस न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टिकटॉक स्टार सुरभि राठौर की रियल लाइफ के बारे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सुरभि राठौर की इनकम, एज, नेटवर्क, डेट ऑफ बर्थ, बॉयफ्रेंड यानी फुल टू फुल इन्फॉर्मेशन देंगे। तो प्लीज दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि आज की वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी सुरभि राठौर मोहक नरंग के फैन है तो वीडियो को लाइक करने के बाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं सुरभि राठौर के रियल नेम के साथ। सुरभि राठौर का रियल नेम है सुरभि राठौर और निक नेम है किट्टू। इसी के साथ सुरभि राठौर प्रोफेशन से सोशल मीडिया और टिकटॉक स्टार। सुरभि राठौर का जन्म 3 दिसंबर 2000 को न्यू दिल्ली में हुआ था। ये तो आप जानते ही होंगे, सुरभि राठौर नेशनैलिटी से इंडियन है और रिलीजन से एक हिंदू। आपको बता दें सुरभि राठौर का होम टाउन भी न्यू दिल्ली में है जहां वो ज्यादातर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हैं। सुरभि राठौर की फैमिली में उनके मम्मी पापा और उनकी बहन और खुद सुरभि हैं। सुरभि राठौर के फादर का नाम राजेंद्र राठौर है और मदर का नाम कंचन राठौड़ है। और वहीं सुरभि राठौर की एक छोटी सिस्टर भी है जिनका नाम लहर राठौड़ है। दोस्तों इसी के साथ अगर बात करें सुरभि राठौर के फेवरेट एक्टर की तो आपको बता दें सुरभि राठौर सबसे ज्यादा वरुण धवन को पसंद करती है। दोस्तों अगर बात करें सुरभि राठौर के करियर लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में तो सुरभि राठौर ने अपने करियर की स्टार्टिंग टिकटॉक एज ए क्रिएटर से साल 2018 में शुरुआत की थी। हालांकि अब टिकटॉक बैंड हो चुका है लेकिन अब सुरभि राठौर इंस्टाग्राम पर रील्स वीडियो और कपल वीडियो बनाती है मोहक नरंग के साथ। दोस्तों बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सुरभि राठौर और मोहक के बीच क्या रिलेशनशिप है। तो दोस्तों आपको बता दें सुरभि राठौर और मोहक नरंग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। जी हाँ, सुरभि राठौर के रियल बॉयफ्रेंड का नाम मोहक नरंग है और ये ज्यादातर साथ में ही वीडियोस बनाते हैं, साथ ही कपल वीडियोस भी बनाते हैं जो इनके फैंस को बेहद पसंद आती है। दोस्तों अगर आप भी सुरभि और मोहक को कपल मानते हैं तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप देख सके सबसे पहले हमारी वीडियोस।